रहमान रहीम। तो दोस्तों, हम नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन मुख्तसर जुमलों पर ही मुश्तमिल है। बुनजोरनो कारीसीमो, बुनजोरनो कारीसीमो या कारीसीमा, सुबह बखैर प्यारे। बुनजोरनो कारीसीमो, सुबह बखैर प्यारे। कारीसीमा या कारीसीमो, कारीसीमा मुज़क्कर के लिए और कारीसीमा मोइनस के लिए। इसका सही मतलब होता है अज़ीज़ तरीन, महबूब तरीन शख्सियत जिससे आप मुखातिब हैं। सीए दितिक्वा, यहाँ बैठो। सीए दितिक्वा, यहाँ बैठो। सदेरे बैठना, सीए दितिक्वा, तुम यहाँ बैठो, यानी तशरीफ़ रखो। तिवा उन कफ़े, काफ़ी पसंद है तुमको। तिवा उन कफ़े, आपको काफ़ी पसंद है, यानी मैं आपको काफ़ी ऑफ़र कर सकता हूँ। तिवा का मतलब होता है तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छा लगता है। उन कफ़े, उन एक काफ़ी, यानी तुम काफ़ी पीना चाहते हो। टेम्पो एब्रूतो, मौसम ख़राब है। टेम्पो एब्रूतो, मौसम ख़राब है, मौसम अच्छा नहीं है। क्वालकुनो पार्ला इंग्लेज़े, कोई इंग्लिश बोलता है। क्वालकुनो पार्ला इंग्लेज़े, कोई इंग्लिश बोलता है। क्वालकुनो कोई, पार्ला बोलता है, इंग्लेज़े इंग्लिश। कोजा सिनिफिका, क्या मतलब है। कोजा सिनिफिका, क्या मतलब है। सिनिफिका होता है मतलब, बताना मतलब, पूछना। अगर आपको कोई लफ्ज़, कोई जुमला या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं कि कोजा सिनिफिका, इसका क्या मतलब है। बराए मेहरबानी आप फिर रिपीट कर दें या आप आसान लफ्ज़ों में समझा दें। उसके बाद नेक्स्ट है लेई पुओ अंधिकार में, क्या आप बता सकते हैं। लेई पुओ अंधिकार में, क्या आप बता सकते हैं। इंदिकारे का लफ्ज़ी मतलब होता है इशारा करना, यानी बताना, कोई एड्रेस वगैरह बताना, किसी जगह का पता बताना। ले पुओ इंदिकार में, क्या आप बता सकते हैं। दोवे इल सुपरमार्केटो, सुपरमार्केट कहाँ है, बाज़ार कहाँ है। दोवे इल सुपरमार्केटो, मार्केट कहाँ है, सुपरमार्केट कहाँ है। दोवे इल ओस्पिदाले, अस्पताल कहाँ है। दोवे इल ओस्पिदाले, अस्पताल कहाँ है, यानी आप क्या बता सकते हैं कि सुपरमार्केट कहाँ है या अस्पताल कहाँ है। नान दिस्कू तेरे, बास ना करो। नान दिस्कू तेरे, बास ना करो, यानी डिस्कस वगैरह मत करो, फजूल बास से परहेज़ करो। नान दिस्कू तेरे। नान प्रिया को पारती, परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो। नान प्रिया को पारती, प्रिया को पारे परेशान हो ना, प्रिया को पारती तुम परेशान हो। नान नहीं। क्वी चे मोस्किया, यहाँ मस्जिद है। क्वी चे मोस्किया, यहाँ मस्जिद है। मोस्किया मस्जिद, क्वी चे यहाँ है, यानी तुम इस बात की परेशानी ना करो कि यहाँ मस्जिद नहीं है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ये परेशानी तुम्हारी ख़त्म है क्योंकि यहाँ मस्जिद है। क्वी चे मोस्किया, क्वी चे मोस्किया, यहाँ मस्जिद है। अगर ये बताना मकसूद हो कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ लाइब्रेरी है, तो आप कह सकते हैं क्वी चे बिब्लियोटेका, यहाँ लाइब्रेरी है। क्वी चे बिब्लियोटेका, यहाँ लाइब्रेरी है। उसके बाद नेक्स्ट है ददोवे वियेनी, कहाँ से आए हो। ददोवे वियेनी, कहाँ से आए हो, यानी तुम किस मुल्क से आए हो। इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं, और इस वक्त तुम कहाँ से आए हो, यानी काम से आए हो, घर से आए हो, या किसी और जगह से आए हो। ददोवे वियेनी, ये दोनों मतलब आप ले सकते हैं इस जुमले से, कहाँ से आए हो। ददोवे वियेनी। यो नान्ती कोनोस्को, मैं तुम्हें नहीं जानता। यो नान्ती कोनोस्को, मैं तुम्हें नहीं जानता। फेलीचे दी विदेहर्ती, तुम्हें देखकर खुश हुई।
फेलीचे दी विदेर थी तुम्हें देखकर खुशी हुई। फेलीचे खुश होना, विदेर थी तुम्हें देखकर। अगर यहाँ हो फेलीचे दी कनोशेर थी, यानी तुम्हें जानकर खुशी हुई। फेलीचे दी कनोशेर थी तुम्हें जानकर, तुमसे वाकफियत हासिल करके खुशी हुई। तियनी क्विस्तो ये पकड़ो, तियनी क्विस्तो ये पकड़ो, तनेरे पकड़ना। तियनी क्विस्तो ये पकड़ो, नानमी इंतरेसा मुझे दिलचस्पी नहीं, नानमी इंतरेसा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, यानी ये जो चीज़ है ये मेरी किसी काम की नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, तुम अपने पास रख लो, ये पकड़ लो। स्थाई लोंतानो तुम दूर रहो, स्थाई लोंतानो तुम दूर रहो, यानी अगर आपने किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं रखनी, कोई आपने उसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी, तो आप उससे कह सकते हैं स्थाई लोंतानो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई गपशप कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। स्थाई लोंतानो तुम दूर रहो, तुम मुझसे दूर ही रहा करो। उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्फाज सीख लो, इम्पारा क्वेस्ते पारोले, ये अल्फाज सीख लो, इम्पारा क्वेस्ते पारोले, किस्ते पारोले ये अल्फाज। परोला सिंगल लफ्ज़ के लिए और परोले जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इम्पारे सीखना, इम्पारा तुम सीख लो। ये किताब पढ़ लो, लेजी क्विस्तो लिब्रो, लेजी क्विस्तो लिब्रो, ये किताब पढ़ लो, लेजरे पढ़ना, लेजी तुम पढ़ो, यो लेको तू लेजी, नोई लेजियामो। मुझे देखने दो, लाशमी वेदेरे, लाशमी वेदेरे मुझे देखने दो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेट मी सी। लाशमी वेदेरे मुझे देखने दो। दवाई ज़रूरी है, ला मेडिसिना ए एसेंशियाले, दवाई ज़रूरी है, ला मेडिसिना ए एसेंशियाले, एसेंशियाले ज़रूरी, नेसेसरी भी होता है ज़रूरी के लिए, नेसेसारियो, लेकिन ये लफ्ज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, एसेंशियाले ज़रूरी है। सच बोलते रहो, कांतिनुआ अधीरे लावेरिता, सच बोलते रहो, कांतिनुआ अधीरे लावेरिता, कांतिनुआ जारी रखो, अधीरे कहना, लावेरिता सच, सच कहना जारी रखो, यानी सच बोलते रहो, यानी चाहे जैसे भी हालात हों, मुश्किल तरीन हालात हों, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना। कांतिनुआ अधीरे लावेरिता सच बोलते रहो, वो बहुत मेहरबान है, लुई मोल्तो जेंतीले, लुई मोल्तो जेंतीले, वो बहुत मेहरबान है। ये आर्जी है, ए टेम्पोरानियो, ए टेम्पोरानियो ये आर्जी है, यानी ये वक्ती है, ये थोड़े टाइम के लिए है, ये बहुत ही मुख्तसर अरसे के लिए है। ए टेम्पोरानियो ये आर्जी है, इसने ख़त्म होना है। उसके बाद है ये मस्नूई है, ए आर्टिफिशियले, ये मस्नूई है, ए आर्टिफिशियले, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल मस्नूई चीज़। ये टेढ़ा है, क्विस्तो स्तोर्तो, स्तोर्तो टेढ़ा होना, क्विस्तो स्तोर्तो ये टेढ़ा है, कोई रास्ता टेढ़ा होना या कोई लकीर टेढ़ी बना देना, या किसी शख्सियत के बारे में आपने ये कहना हो कि ये बहुत टेढ़ी शख्सियत है, कि क्विस्तो परसोने मोल्तो स्तोर्तो, यानी ये सीधी बात नहीं करता, ये साफ बात नहीं करता, क्विस्तो स्तोर्तो। ये अबदी है, क्विस्तो एतेरनाले, क्विस्तो एतेरनाले ये अबदी है, एतेरनाले का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ना ख़त्म होने वाला, अबदी है, अबदी ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसके मायने भी यही है, जो चीज़ ना ख़त्म होने वाली हो, हमेशा रहने वाली हो, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए बोला जाता है लफ्ज़। क्विस्तो एतेरनाले ये अबदी है। नान उशीर फुवारी बाहर ना निकलो, नान उशीरे फुवारी बाहर मत निकलो, उशीरे बाहर जाना, फुवारी का मतलब होता है बाहर, उशीरे निकलना आपके मानी में भी आप यूज़ कर सकते हैं।
non uscire, non niccolo, fuori, bair. Fai tuo lavoro, apna kaam karo. Fai tuo lavoro, apna kaam karo. Yani bair niccolne ki zururat nahi hai, tum apna kaam jari rakho, apna kaam karo. Fare lavoro hota hai kaam karna. Fai tuo lavoro, tum apna kaam karo. Fai tuo lavoro, tum apna kaam karo. To dosto, ye tha aaj ka lesson. उम्मीद करते हैं कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और नए दोस्त भी सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अरिविदे।